नमस्कार दोस्तों आप सबका आप सभी के चैनल एस्के प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है दोस्तों अभी तक आपने अपना ये चैनल एस्के प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ आज मैं आप लोग को जो प्लम्बिंग के पाइप्स होते हैं वह किस तरह से बनते हैं उसके बारे में आप लोग को दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों हम जो है फैक्ट्री के अंदर विजिट कर चुके हैं अब वहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग मशीन दिख रहा है सबसे पहले जो है उसके अंदर रॉ मटेरियल पाइप के थ्रू छोड़ा जा रहा है जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर जा रहा है और ये मशीन के अंदर जो है रॉ मटेरियल जाने के बाद इसका प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर डाई सेट किया हुआ है जितने इंच का आपको पाइप तैयार करना है तो इसके अंदर जो है पाइप का जो साइजेस है तैयार हो रहा है डाई के अंदर और वह बहुत ही गर्म होता है जिसके कारण यहाँ पर यह ठंडा करने का मशीन लगाया हुआ है और पानी जो है इसके अंदर छोड़ा जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर जिससे पाइप जो है ठंडा होकर बाहर निकल रहा है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है लेबलिंग लग रहा है जिस भी कंपनी का पाइप होता है यहाँ पर लेबलिंग लगता है उस कंपनी का इस तरह से इसका प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि पाइप को बनाने में दोस्तों थोड़ी सी भी चूक हुई तो पाइप डैमेज हो सकता है इसलिए जो मशीनरी वर्क है काफ़ी स्लोली स्लोली में वर्क करता है जिससे पाइप जो है परफेक्टली तैयार होकर बाहर निकले दोस्तों यहाँ पर एक और मशीन लगा हुआ है जिससे पाइप को जो है हीट होगा तो इसमें भी ठंडा हो जाता है और यहाँ से आपका जो दोस्तों देख सकते हैं पाइप निकल रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक मशीन लगा हुआ है जो पाइप को बाहर की तरफ खींचता है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम स्मूथली जो है स्लोली स्लोली पाइप बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये जो मशीन है यह खींचने वाली मशीन है पाइप की उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है प्रिंटर लगा हुआ है पाइप के ऊपर जो है एक लाइन हमें दिखाई देती है वह फोर्टी शेड्यूल का है या एटी शेड्यूल का इस तरह से यहाँ पर मार्किंग हो रहा है तो यहाँ पर फोर्टी शेड्यूल के पाइप का मार्किंग हो रहा है इस तरह से पाइप में प्रिंटिंग की जाती है और दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो पाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें पाइप काफ़ी लंबा होता है और हमें जो पाइप अवेलेबल होते हैं वह तीन मीटर के पाइप अवेलेबल होते हैं यूपीवीसी के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटर मशीन लगा हुआ है इसी में पाइप जो है तीन मीटर का होने के बाद ऑटोमेटिक वह मशीन जो है कटिंग कर देता है पाइप को तो दोस्तों अब यह जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है जब मशीन को पता चलेगा यह तीन मीटर तक हो गया है तो यह जो कटर मशीन है यह ऑटोमेटिक पाइप को लॉक कर देगा और वहीं पर खड़ा कर देगा और फिर उस पाइप को कटिंग कर देगा यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मशीन ने पाइप को लॉक कर दिया है अब वह नीचे से देखिए इस तरह से कटिंग कर रहा है यहाँ पर पाइप को कटिंग कर दिया है पाइप जब एक बार कटिंग हो जाएगा तो मशीन जो है उस पाइप को आगे की तरफ ढकेल कर उस कटिंग हुए पाइप को नीचे की तरफ गिरा देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर वह मशीन पीछे चले गया है कटर मशीन अब यह धीरे धीरे पाइप को क्या करेगा आगे की तरफ ढकेल कर नीचे गिरा देगा क्योंकि यह जो पाइप है तीन मीटर का बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पर देखिए पूरा पाइप कटिंग होके स्टॉक में रेडी हो रहा है फिर यहाँ से जो है पैकिंग होता है और फिर वह हमें मिलता है दुकानों में जाके ये देखिए इसका पूरा जो प्रोसेसिंग है टोटल मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक है यहाँ पर जो है लेबर जो है बहुत कम लगते हैं इस फैक्ट्री में दोस्तों सभी प्रकार के पाइप तैयार किए जाते हैं जैसे कि यू पी वी सी सी पी वी सी एच डब्ल्यू आर ऑरेंज पाइप एग्री पाइप सभी प्रकार के जो पाइप है इस फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मशीन के थ्रू तीन मीटर का पाइप कटिंग हुआ था यहाँ पर आके अटका है अब उसे जो है पाइप नीचे की तरफ ढकेल देगा इस तरह से आप देख सकते हैं और इसका जो पूरा प्रोसेसिंग है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है तो दोस्तों आज मुझे इसी के बारे में आप लोग को बताना था उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे बहुत सारे प्लम्बिंग के मैं नए नए वीडियो लाता रहूंगा इसी तरह फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद